अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल इन योर लाइफ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों ने आज की वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, मैं बात करूँगी, मैं आप लोगों को बेसिकली बताऊँगी कि जो आजकल की माओं की सबसे बड़ी टेंशन है ना कि हमारे बच्चे सही तरह से प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, तो हम क्या करें, हमारे बच्चों की ग्रोथ सही नहीं हो रही, ये वो, इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज डेली बेसिस पर मेरे पास आती हैं। बहुत से लोग मुझसे कंसल्ट करने आते हैं कि हमें बताएं कि हमारा बच्चा सही तरह से प्रॉपर डाइट नहीं लेता, बस ये चिप्स निमको वगैरह, ये बिस्किट वगैरह, ये चीज़ें खाता रहता है, अच्छी हेल्दी डाइट नहीं लेता, तो हम क्या करें। तो उनका मसला आज मैं सॉल्व करने लगी हूँ। मैं आप लोगों को आज बताने लगी हूँ न्यूट्रीफैक्टर की ये बायोग्रो गमीज़ के बारे में। ये गमीज़ में, ये आप समझें कि बच्चों के मल्टीविटामिन है, जैसे बड़ों के मल्टीविटामिन होते हैं ना डेली लेने वाले, इसी तरह बच्चों के भी मल्टीविटामिन बनाए गए हैं, तो आप ये बच्चों को दे सकते हैं। और ये बनाए भी जेली फॉर्म में है, जैसे बच्चे दूसरी जेलीज खाते हैं ना, जो कि उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, तो ये वाली गमीज़ जो है ये बहुत अच्छी है उनके लिए, क्योंकि इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं आगे चल के आपको सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी बता दूंगी कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम इसकी पैकिंग की बात कर लेते हैं। ये इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर में आती है। अब ये नहीं कि ये गमीज़ है तो आप बच्चों को ये पकड़ा दें, जाओ भाई खा लो इंजॉय करो, ऐसा नहीं करना। इसके ऊपर इसकी डोज लिखी हुई है जो है ना 2 to 4 years, उनके लिए आप लोगों ने एक गमी देनी है डेली, और जो 4 years से अबव के बच्चे हैं उनको आपने 2 gummies देनी है डेली। तो इसके अंदर 30 gummies हैं, जो 2 से 4 साल के बच्चे हैं उनके लिए ये पैक चलेगा 1 महीना, और जो 4 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए ये पैक चलेगा 15 days। और इस पैक की प्राइस की बात कर लेते हैं, इसकी प्राइस है 590 rupees, जो कि आई थिंक बहुत ही रीज़नेबल है, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव साइट पे नहीं है और बहुत से लोग इसे ख़रीद सकते हैं। इसके अंदर है विटामिन ए, विटामिन सी, डी, सारे एसेंशियल जो विटामिन हैं ना वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं। आयोडीन भी है, जिंक भी है, कोलीन भी है, इनोसिटोल भी है। अब मैं आप लोगों को बारी बारी इसका फंक्शन बता देती हूँ। इसके अंदर सबसे पहले तो है विटामिन ए, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चे की ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी विजन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर है इसके अंदर विटामिन बी, जो कि हेल्प करता है बच्चों की ग्रोथ में, डिवेलपमेंट में, और बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर है इसके अंदर विटामिन डी, जो कि हेल्प करता है बोन्स को, बोन्स की स्ट्रेंथ में, मतलब हड्डियों को मजबूत बनाने में, वो तो हम सबको पता है। फिर है इसके अंदर विटामिन ई, जो कि प्रिवेंट करता है हार्ट डिजीज़ को, और हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर है इसके अंदर विटामिन B6, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट में। फिर है इसके अंदर विटामिन B12, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बॉडी के ब्लड सेल्स और नर्व सेल्स को हेल्दी रखने में। और फिर इसके अंदर जिंक भी मौजूद है, जो कि बूस्ट करता है हमारी इम्यूनिटी को। फिर है इसके अंदर आयोडीन, जो कि इंश्योर करता है कि हमारी प्रॉपर थायराइड फंक्शनिंग हो रही है। यानी इसके अंदर 2 और इंग्रेडिएंट्स हैं, वो है कोलीन, जो कि हेल्प करता है डीएनए सिंथेसिस में, मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर इसके अंदर है इनोसिटोल, जो कि हेल्प करता है एनजाइटी को, डिप्रेशन को कंट्रोल करने में, और ब्लड शुगर का जो लेवल होता है ना उसे कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आई होप कि अब सारी मदर्स का मसला सॉल्व हो गया होगा, कि जिनको टेंशन होती है कि हमारे बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खाते या उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो हम उन्हें क्या दें। तो आपने उन्हें ये वाली गमी ज़रूर देनी है। और दूसरी बात, इस तरह के ना सीरप्स भी आते हैं, मल्टीविटामिन के सीरप्स, अगर आपको लगता है, आई थिंक न्यूट्रीफैक्टर का भी सीरप है और हर्बायोटिक्स जो कंपनी है ना उसके भी सीरप्स हैं, वो भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे ही होते हैं, 400-500 की रेंज में आई थिंक। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके बच्चे गमीज़ नहीं खाएंगे, वो सीरप्स आराम से पी लेंगे, तो आप उन्हें वो सीरप्स भी दे सकते हैं। पैकिंग के ऊपर भी सारी डोजेज वगैरह लिखी होती है, तो आप लोगों को इतनी टेंशन नहीं होगी कि हमें डोज कैसे पता चलेगी कि हमने ये कितना सीरप देना है अपने बच्चे को। जी, तो अगर आप लोग सीरप अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो आप सीरप भी दे सकते हैं, और अगर आप लोग ये गमीज़ देना चाहते हैं तो आप ये गमीज़ भी दे सकते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों को गमीज़ देना ज़्यादा आसान होगा। सो आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई हो या अभी भी आप लोगों के दिमागों में कोई भी क्वेरीज हों, कोई भी क्वेश्चन हों इसके बारे में, तो आप लोग मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर एक को रिप्लाई करूँ, हर एक की क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। और मैं मिलूंगी आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।